और इस बीच बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में दोपहर 1 बजे तक का मतदान अपडेट आपके टीवी स्क्रीन पर बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में अब तक 30.50% वोटिंग की जा चुकी है। बालाघाट की बात करें तो बालाघाट सीट पर 1 बजे तक 27% मतदान हो चुका है, तो वहीं जबलपुर में 1 बजे तक 27.41% फीसदी मतदान हुआ है। इसी के साथ ही छिंदवाड़ा में 1 बजे तक 25.12% वोटिंग की जा चुकी है। सीधी की बात की जाए तो सीधी सीट में 1 बजे तक 26.30% मतदान हो चुका है। शहडोल में 1 बजे तक 29.51% मतदान किया जा चुका है। बालाघाट की बात करें तो बैहर सीट में सबसे ज्यादा मतदान देखने को मिला है। अब तक बता दें बालाघाट की बैहर सीट में सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, जहां 43.96% मतदान हो चुका है। बता दें मध्य प्रदेश में अब तक 30.50% वोटिंग की जा चुकी है। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश की बालाघाट सीट, जहां पर 1 बजे तक 27% मतदान किया जा चुका है। साथ में जबलपुर की सीट की बात की जाए तो दोपहर 1 बजे तक 27% मतदान किया जा चुका है। छिंदवाड़ा, जो कि मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है, जहां से नकुलनाथ चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस से, और वहां के अपडेट की बात करें तो मतदान प्रतिशत 25.12% वोटिंग हो चुकी है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जबलपुर से आशीष जुड़ गए हैं। आशीष, मेरा सवाल था कि मतदान प्रतिशत जो जबलपुर का सामने आया है, क्या लगता है कि आगे और कितना प्रतिशत बढ़ सकता है पिछले प्रतिशत के मुताबिक, क्या कहेंगे? मैडम, अभी सुबह से अभी तक की जो वोटिंग की स्थिति है वो जी 45-50-55 के लगभग पहुंच गई है, और सुबह टाइम काफी भीड़ रही, पर अभी थोड़ा सा गर्मी के कारण लोगों का थोड़ा सा आना जाना रुझान कम हुआ है। शाम को 4 बजे के बाद फिर बढ़ जाएगा। बिल्कुल आशीष, आपसे जानना चाहेंगे किन प्रत्याशियों ने अब तक जबलपुर सीट पर वोटिंग कर दी है। किन प्रत्याशियों ने, क्या बोला मैडम, एक बार फिर से थोड़ा सा। चलिए, मेरा अगला सवाल ये है कि पहले के मुताबिक इस बार क्या मतदान प्रतिशत हो सकता है? साथ ही अगर बात की जाए तो छिंदवाड़ा जो है वो सबसे ज्यादा हॉट सीट मानी जा रही है मध्य प्रदेश की, इसके लिहाज से क्या कहा जा सकता है कि जो 6 सीटें हैं मध्य प्रदेश की, उनमें आगे क्या मतदान अपडेट रह सकता है? जैसा मैडम छिंदवाड़ा की जो सीट वाला मामला करें तो बीजेपी का पूरा संकेत वही है छिंदवाड़े पे, और जबलपुर के संकेत में बीजेपी और मैं आशीष दुबे और दिनेश यादव कांग्रेस से खड़े हुए हैं। पहला आशीष दुबे का रुझान थोड़ा सा ज्यादा दिख रहा है बीजेपी का यहाँ पे। जी आशीष, मतदान स्थल पर सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? चुनाव आयोग ने सुरक्षा को लेके बहुत अच्छे इंतजाम किए हुए हैं, हर जगह पूरी तैनाती है सुरक्षा को लेके। अभी तक सुबह से अभी तक जबलपुर में ऐसी कहीं से कोई लुफरेशन खबर नहीं है, सब अच्छे चुनाव चल रहे हैं, शांतिपूर्वक चुनाव चल रहे हैं। बिल्कुल, मेरा आखिरी सवाल, जहां मतदाताओं में कैसा उत्साह देखने को मिल रहा है और जो नए वोटर्स हैं उनमें किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो वो पहली बार अपना मत का प्रयोग करते हुए वोटिंग कर रहे हैं, क्या आपकी बात उनसे हुई है, किस तरह का उत्साह देखने को मिला है? नए वोटर्स आए हुए हैं, ये उत्साह में बराबर आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, और उनके कार्यकर्ता भी जितने भी पार्टी के हैं सब आगे आ रहे हैं, बहुत उत्साह है उन लोगों के ऊपर। बिल्कुल वोटिंग में, बिल्कुल आशीष शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और हमसे जुड़ने के लिए। तो खबर आपको मध्य प्रदेश से बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में अब तक जो वोटिंग फीसदी सामने आया है दोपहर 1 बजे का, वो है 30.50% वोटिंग, और बालाघाट सीट पर 1 बजे तक 27% मतदान हो चुका है। जबलपुर में 27.41%, छिंदवाड़ा में 25.12% मतदान हुआ है, सीधी में 26.30% मतदान किया जा चुका है, तो वहीं शहडोल की बात की जाए तो 29.51% मतदान हुआ है, और मंडला सीट पर बात करें तो 32.3% वोटिंग की जा चुकी है।
बालाघाट जो कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ की बात करें तो बालाघाट की 62 सीट जो है वहाँ पर अब तक सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, यानी 43.96% फीसदी मतदान हुआ है।